म्यूटेंट क्रीपर माइनक्राफ्ट का सबसे ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस मॉब, जो कि नॉर्मल क्रीपर से साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है एंड नॉर्मल क्रीपर से बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन करता है। मगर ये म्यूटेंट क्रीपर कहाँ से आया और माइनक्राफ्ट में कैसे आया? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये नॉर्मल स्पॉन नहीं हुआ है, नेचुरल स्पॉन नहीं हुआ है, इसको किसी प्लेयर ने बनाया था। ये बात तब की है जब पिलेजर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुआ करते थे और जो भी प्लेयर एक्सप्लोरिंग पे जाता उनके पीछे से उनके घर डिस्ट्रॉय कर देते थे और उनके घर को जला देते, और प्लेयर जैसे ही वापस आते उनका घर पूरा डिस्ट्रॉय मिलता। इन सब से तंग आके एक प्लेयर ने सोचा कि मैं इन पिलेजर से भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मॉब बनाऊंगा। तो वो ऐसे एक्सप्लोरिंग कर रहा था तभी उसको एक क्रीपर मिलता है एंड तभी सडनली उसके ऊपर लाइटनिंग गिरती है एंड वो बदल जाता है चार्ज क्रीपर में। वो उसको देखता है और सोचता है कि मैं इससे भी और ओवर पावर्ड मॉब बना सकता हूँ। तभी वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपर्स को इकट्ठा करता है और उनको एक केज में बंद कर देता है एंड वो वेट करता है लाइटनिंग गिरने का उनके ऊपर। बहुत ही ज़्यादा वीक्स गुजर जाते, मंथ गुजर जाते हैं पर लाइटनिंग कभी नहीं आती। तभी वो बहुत ही ज़्यादा कॉपर्स कलेक्ट करता है एंड बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग रॉड बना देता है और केज के आसपास लगा देता है। और तभी वो उस केज में बस एक क्रीपर को रखता है एंड सडनली लाइटनिंग गिरने लगती है और एक लाइट की जगह बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग होती है वहाँ पे। और तभी सडनली एक बहुत ही डेंजरस सा मॉब वहाँ पे आ जाता है जो कि था म्यूटेंट क्रीपर। वो अपने ब्लास्ट केस को तोड़ देता है और प्लेयर को भी मार देता है। उसके बाद के वो अपना केस तोड़ता है ब्लास्ट से और ओवर वर्ल्ड में निकल जाता है घूमने। और तभी ओवर वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा क्रीपर्स स्पॉन करता है, अपनी बहुत ही ज़्यादा आर्मी बनाता है। हद से ज़्यादा क्रीपर होने के कारण पूरा ओवरवर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये सब देख के नाइट निकल जाते हैं म्यूटेंट क्रीपर को मारने, और नाइट के बाद नाइट उनको मारने की ट्राई करते हैं पर वो म्यूटेंट क्रीपर सबको मार देता था। पूरी आर्मी उन पर हमला करती, पूरी आर्मी को वो मार देता था। तभी म्यूटेंट क्रीपर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है और चला जाता है नाइट्स के बेस पे और सडनली वहाँ पे अटैक कर देता है, पूरे बेस को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड सभी नाइट्स को मार देता है। क्योंकि उसने सडनली अटैक किया था इसलिए नाइट्स वगैरह प्रिपेयर भी नहीं थे, इसलिए पूरा बेस डिस्ट्रॉय कर देता है और उन सबको मार देता है। म्यूटेंट क्रीपर एमरल्ड कलेक्ट करता है और उससे स्ट्रांग होता जाता है। वो विलेज पे अटैक करता है, पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ से एमरल्ड ले लेता है और उन एमरल्ड से अपनी पावर से एक सुपर गन पाउडर बनाता है जिससे वो और भी स्ट्रांग और बड़ा होते जाता है। म्यूटेंट क्रीपर और भी ज़्यादा एमरल्ड कलेक्ट करता है और उनसे और भी ज़्यादा स्ट्रांग और बड़ा होते जाता है। वो सारे विलेजेस पे अटैक करता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इन सब से तंग आके एक विलेजर सोचता है कि मुझे इस सब को रोकना होगा। तभी वो निकल जाता है और विलेजर्स के पास उनको इकट्ठा करने एंड वो सबको इकट्ठा कर देता है और वो उन सारे विलेजर्स को बोलता है कि हमें इन सब को रोकना होगा और सारे विलेजर उससे एग्री करते हैं। तभी वो सोचता है कि नॉर्मल क्रीपर एक नॉर्मल कैट से डरता है और पर म्यूटेंट क्रीपर नॉर्मल कैट से नहीं डरता। तभी विलेजर सोचते हैं कि हमें भी एक म्यूटेंट कैट बनानी पड़ेगी ताकि वो म्यूटेंट क्रीपर से फाइट कर पाए। म्यूटेंट क्रीपर बहुत ही ज़्यादा विलेजेस पे अटैक करना शुरू कर देता है। एक के बाद एक विलेजेस डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे एंड डिसअपियर होते जा रहे थे। तभी विलेजर सोचता है कि हमें जल्दी से जल्दी कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा इसका, पर उसको नहीं पता था कि वो म्यूटेंट कैट को कैसे बनाएगा या कैसे नॉर्मल कैट को सुपर पावर दे सकता है। तभी वो विलेजर अपनी जान को खतरे में डाल के निकल जाता है नाइट्स के बेस की तरफ। तभी वो वहाँ पे पहुँच जाता है और वो देखता है कि उनका बेस डिस्ट्रॉय हो रखा है जो कि म्यूटेंट क्रीपर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो उनकी सारी बिल्डिंग्स को चेक करता है ताकि उसको कोई क्लू मिल जाए। तभी वो उनकी लैब में पहुंच जाता है और वहाँ पे वो एक देखता है केज की कैसे उसने म्यूटेंट क्रीपर को बनाया था एंड थोड़ी देर बाद उसको एक बुक मिलती है जिसमें सब लिखा था कि कैसे एक म्यूटेंट क्रीपर बना था। तभी बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन के बाद विलेजर्स भी बना देते हैं केज और वहाँ पे लगा देते बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग रॉड और उसमें एक कैट को बंद कर देते। तभी सडनली बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग गिरती है म्यूटेंट क्रीपर की तरफ और सडनली वहाँ पे एक म्यूटेंट कैट स्पॉन हो जाती है। बट वो कैट म्यूटेंट क्रीपर के साइज से बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। तभी विलेजर्स उसको एमरल्ड देते, सोचते हैं कि उससे ये ग्रो हो जाएगी पर वो ग्रो नहीं होती। सडनली कैट एकदम से भागती है और नदी में चली जाती है और वहाँ से एक फिश मार के आ जाती है और फिश खाने के बाद वो उसका साइज़ बढ़ जाता है और वो भी थोड़ी ओवरपावर्ड हो जाती है। विलेजर्स को पता चल गया था उनको क्या करना है। तभी सब विलेजर फिशिंग करने लग जाते एंड म्यूटेंट कैट को बहुत ही ज़्यादा फिशेज देते। वो दिन की उसको 300 से ज़्यादा फिशेज देते। तभी बहुत ही ज़्यादा म्यूटेंट क्रीपर कैट पावरफुल हो जाती है
और वो सब उनको ट्रेनिंग देते कैसे वो क्रीपर से फाइट करेगी। फिर सभी विलेजर मिलकर एमरोड कलेक्ट करते और उनको एक जगह पे इकट्ठा कर देते। तभी कैट जोर से चिल्लाती है एंड म्यूटेंट क्रीपर पहली बार ऐसी साउंड सुनता है। तभी वो अपनी आर्मी प्रिपेयर करता है और निकल जाता है उस एमरोड की तरफ। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है वो देखता है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एमरोड है एंड सडनली वो देखता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी कैट आ चुकी है उसके सामने। उसने इतनी बड़ी कैट कभी नहीं देखी थी। म्यूटेंट क्रीपर अब उससे डरने लगा था। तभी कैट अपनी आर्मी को सिग्नल देता है एंड सडनली बहुत ही ज़्यादा कैट्स वहाँ पे आ जाती है और ये टाइम था बहुत ही बड़ी वॉर का। तभी दोनों टीमों के बीच में वॉर शुरू हो जाती है। कुछ क्रीपर डर के भाग रहे थे, वही कुछ क्रीपर बहादुरी से लड़ रहे थे एंड म्यूटेंट क्रीपर एंड म्यूटेंट कैट की बहुत ही ज़्यादा तगड़ी फाइट हो रही थी। म्यूटेंट क्रीपर डर के वहाँ से भाग जाता है और ख़ुद को एक सेफ एरिया में लेके चला जाता है। तभी वो सोचता है कि अब मैं सेफ हूँ एंड सडनली उसको आसपास की झाड़ियों से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आने लगती है एंड वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। एंड जैसे ही वो पीछे देखता है वो देखता है उसके पीछे म्यूटेंट कैट खड़ी है और ये टाइम था अब लास्ट वॉर का। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है एंड म्यूटेंट क्रीपर को अब पता चल गया था कि ये उसका लास्ट टाइम है। तभी वो ब्लो अप करना शुरू हो जाता है एंड म्यूटेंट कैट उस पर जैसे अटैक करती है तभी बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। वहाँ पे बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है एंड माइनक्राफ्ट की चेंचुरीज लग जाती है उस गड्ढे को कवर करने में। कई सालों बाद माइनक्राफ्ट पूरा नॉर्मल हो चुका था, पहले की जैसे नॉर्मली वर्ल्ड चल रहा था एंड अब म्यूटेंट क्रीपर नहीं बचा था। तो गाइस कमेंट करके बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड या डिस्कॉर्ड को ज्वाइन जरूर से कर देना यार, वहाँ पे 300 मेंबर होने ही वाले। एंड या मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ऑसम सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।